हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य कांगड़ा जिले के प्रचार के लिए पहुंचे। इस सिलसिले में वह सुला विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ताकीद दी गई। पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित प्रेम शर्मा जी। मोहित, क्या ताजा अपडेट है अब तक इस खबर पर? देखिए, विक्रमादित्य सिंह जो है अपने तय टूर के मुताबिक जो है वो प्रदेश के भ्रमण पर हैं और कोशिश जो है उनकी यही है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है, 7 मई को मतदान होना है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, तो उसके लिए वो जो है वो चुनावी दौरे पर हैं और इस दौरान जो है वो युवा कांग्रेस की जो जगह जगह या फिर जिला में जो कमेटियां गठित की गई हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं और बैठकों का दौर जो है वो जारी है। साथ ही उनका जो कोशिश है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए ताकि चुनाव में जो प्रचार है उसमें कोई कमी नहीं रह सके और साथ ही क्या क्या मुद्दे होंगे इस दौरान कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें किन मुद्दों पर घेरा जा सके, इसके लिए भी जो तैयारियां हैं वो करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो हमीरपुर सीट है, एक चुनौती वो कांग्रेस पार्टी के लिए रहती है और इस बार भी मानी जा रही है और उसके लिए किस तरह से ज्यादा लोगों को वहां पर या फिर युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए, इसके लिए भी जो कार्यक्रम है वो तय किए जा रहे हैं। जी मोहित, विक्रमादित्य ने कुछ खास निर्देश दिए हैं कार्यकर्ताओं को? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो निर्देश उनके द्वारा जो दिए गए हैं उसमें सबसे पहले की जो चुनाव में रणनीति है उसमें कहीं जो कमी ना रहे और वो रणनीति जो बनाई गई है उसके अनुरूप जो है कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि घर घर जाकर जनता के बीच जाकर वो प्रचार करें। जो 1.25 साल हो चुका है कांग्रेस सरकार का हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो जनहित में काम किए गए हैं उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा है कि किस तरह से सरकार ने जनहित के कार्य किए हैं हिमाचल में। साथ ही जो पूर्व भाजपा सरकार के समय जो घोटाले हुए हैं उसे किस तरह से उन घोटालों को किस तरह से जनता के बीच ले जाया जाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के रणनीति जो है वो बनाई गई है और सही रूप में ये मुद्दे जो हैं ये जनता के बीच में पहुंचे इसके लिए गंभीर नजर आ रही है युवा कांग्रेस भी। और अब जो है जो उनका दौरा है उसका सिलसिला भी जारी है, अभी उन्होंने मंडी भी जाना है, कुल्लू में भी वो मुखातिब होंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश भरा जा सके ताकि प्रचार में उसमें कोई कमी ना रहे। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।